टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। यूडीए से पट्टे की फाइल चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। यूडीए में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 3 को पुलिस ने दबोचा। दिन दहाड़े सुने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने सोना चांदी और नकदी उड़ाई। पुलिस थाने से 600 मीटर दूर दिन दहाड़े हुई वारदात। और सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करना युवकों को पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सलुम्बर के दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा का उनके पैतृक गाँव लालपुरिया में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। अमृतलाल मीणा के बेटे कपिल मीणा, छोटे बेटे अविनाश मीणा और बेटी प्रीति मीणा ने मुखाग्नि दी और मीणा की देह पंचतत्व में विलीन हो गई। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा राजनीति में आने से पहले अजमेर स्थित हिंदुस्तान मशीन टूल्स में नौकरी करते थे। अमृतलाल ने अपने संघर्ष में बताया कि उन्होंने उदयपुर के पूर्व राज परिवार के यहाँ गाय भैंस और कुत्तों को नहलाने का काम भी किया है। दिवंगत विधायक अमृतलाल के पिता गोमाराम मीणा आर्मी में नायक के पद पर तैनात थे। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे घायल हो गए थे। इसके बाद वे घर आ गए। दिवंगत विधायक अमृतलाल अपने बारे में बताते हुए कहते थे कि जब वे छोटे थे तो वह घर से गाय भैंस बकरियां लेकर जंगल में चले जाते थे। एक बार वे बकरियों को जंगल में चराने जा रहे थे तो बोरी पालवा स्कूल दिखा। वे बकरियों को लेकर जंगल में तो चले गए लेकिन स्कूल का ख्याल आने पर बकरियों को जंगल में ही छोड़कर स्कूल चले गए। इसके बाद उन्होंने बकरियां चराना छोड़कर स्कूल जाना शुरू कर दिया। छठी क्लास में उन्होंने सेमारी के स्कूल में एडमिशन लिया और वहीं के हॉस्टल में रहने लगे। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर में 1992 में समाजशास्त्र और 2000 में राजनीति शास्त्र में एमए की। 3 बार विधायक बनने और 65 वर्ष की आयु होने के बावजूद उनकी जिंदा दिली बरकरार थी। एक अनहोनी ने इस क्षेत्र से अच्छे व्यक्तित्व के धनी को छीन लिया। उनके जाने से उनके परिजनों और समर्थकों को वे अपना सुनापन छोड़ गए जिसे भरना मुमकिन नहीं है। मेवाड़ के लोक देवता सगरजी बावजी का जन्मोत्सव धूमधाम से और पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी को लेकर निज मंदिर और मंदिर परिसर में भव्य सजावट की गई है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे सबसे पहले मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। पूर्व राज परिवार के सदस्य और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मंदिर पर चढ़ाई जाने वाली नई ध्वजा की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर के गुंबद से लगे ध्वजा दंड पर नई ध्वजा चढ़ा दी गई। जन्मोत्सव के मौके पर सक्सजी को विशेष श्रृंगार धराया गया, विशेष रूप से आंगी की गई। इसके बाद ध्वजा चढ़ाने के साथ ही जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया। कार्यक्रम के शुरू में सक्सजी की आरती और पूजा अर्चना की गई। पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पूजा करते हुए सक्सजी की प्रतिमा पर अभिषेक किया। इसके साथ ही मंदिर में स्थापित अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। मंदिर में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था लेकिन पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं का प्रवेश कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। पूजा अर्चना करने के बाद न्यूज 91 से बातचीत करते हुए पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि पूर्वज बावजी का ये मंदिर है और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग यहाँ आते हैं। उन्होंने उदयपुर की समृद्धि और विकास के संकल्प को भी दोहराया। ये तो पूजनीय स्थान है जी। और पूर्वज का स्थान है और आज सब लोगों की आस्था है इसलिए आप आज सब मना रहे हैं। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जश्न की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये है अपनों की।
सिटी वाइब्स है ये, सिटी वाइब्स है ये। थाने से महज 600 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े लाखों रुपए और 12 तोला सोना चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया गया। बांसवाड़ा के खेमरा थाना से करीब 600 मीटर की दूरी पर एक सुने मकान में सेंध लगाते हुए अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने इस मकान को निशाना बनाते हुए चांदी, सोने के जेवर और 1,35,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बांसवाड़ा जिले के खेमरा थाने से महज 600 मीटर दूरी पर अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े लाखों की नकदी और 12 तोला सोना चोरी कर लिया। मामला घाटोल उपखंड के थाना क्षेत्र खमेरा का है, जहां पुलिस थाने के पीछे महज 600 मीटर दूरी पर दिन दहाड़े चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दोपहर करीब 12 बजे ग्राम पंचायत उदाजी का घड़ा के गुलाबपुरा में अंबालाल पुत्र गौतम लाल बुनकर के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने यहां से लगभग 12 तोला सोने के जेवर और 1,35,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त अंबालाल एवं परिवार मनसा व्रत पर्व को लेकर परिवार सहित गोपेश्वर महादेव मंदिर भाटिया गया हुआ था। पड़ोस में रह रहे पिता खेत में काम करने के लिए गए थे। पीछे से मौका देख अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। महादेव मंदिर से लौटने के बाद पीड़ित अंबालाल की नजर दरवाजे के टूटे ताले पर पड़ी तो उन्होंने अनहोनी की आशंका जताई और उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो मुख्य तिजोरी का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान अस्त व्यस्त था एवं जेवर के खाली बॉक्स बाहर पड़े हुए मिले, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए और वे चिल्लाने लगे। इस पर आसपास के लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने इसकी जानकारी खमेरा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका पंचनामा बनाया एवं आगे की जांच में जुट गई। इतना सारा चिल्लाओ मत, ये लो वाइटेक्स लिक्विड डिटर्जेंट, काम जल्दी और आसानी से होगा, कीमत कम, काम में दम, कपड़ों की लाइफ बढ़ाई आपके बजट में आए। Vitex Homes, Clean Homes। उदयपुर की अंबामाता थाना पुलिस ने UDA से एक पट्टे की फाइल चोरी के आरोप में तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस साजिश में अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना के तहत पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। उदयपुर की अंबामाता थाना पुलिस द्वारा UDA से पट्टे की फाइल चोरी करने के मामले में बड़गांव निवासी कंप्यूटर ऑपरेटर भरत लोहार, अमरनगर अंबामाता निवासी अमित सोनी और यूनिवर्सिटी रोड निवासी जयंत चित्तोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बेड़वास धोली मगरी स्थित UDA की सरकारी भूमि पर 3,000 वर्ग फीट का एक प्लॉट खाली पड़ा था। इस प्लॉट नंबर 24 पर कब्जा नहीं होने और किसी भी तरह का निर्माण नहीं होने के बावजूद नक्शा रिपोर्ट तैयार कर पट्टा जारी करवा दिया गया। जयंत चित्तोड़ा के नाम से इस भूखंड का पट्टा जारी हुआ था। आरोपियों ने इसकी नक्शा की रिपोर्ट तैयार करवाई और मिलीभगत कर पट्टा जारी करवाया। बाद में इन्हीं आरोपियों ने इस प्लॉट की मूल फाइल नियमन शाखा से चोरी कर ली। UDA सचिव ने आरोपी जयंत चित्तोड़ा को पूर्व में नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। इसके चलते उस पर शक हुआ और तफ्तीश की गई तो सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करते हुए साजिश में शामिल अन्य अधिकारी कर्मचारियों के बारे में भी पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस मामले की रिपोर्ट UDA की नियमन शाखा द्वितीय के प्रभारी हेमंत सोनी द्वारा करवाई गई थी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने के आरोप में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया है। मामला राजसमंद जिले के काकरोली पुलिस थाना क्षेत्र का है। काकरोली शहर में फायरिंग की घटना के बाद पुलिस बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। शहर में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले
और उन्हें रखने वाले अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा बदमाशों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वालों पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। काकरोली पुलिस थाना इंचार्ज हनवंत सिंह सोडा के अनुसार थाना सर्किल में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो अपराधियों के फॉलोअर्स बने हुए हैं। पुलिस द्वारा इस तरह के लोगों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 21 वर्षीय किशन लाल पुत्र भूरा लाल निवासी बाधपुरा, 21 वर्षीय विष्णु पुत्र भूरा लाल निवासी बागपुरा और प्रकाश चंद्र 22 वर्ष पुत्र रामलाल भील निवासी बागपुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक सोशल मीडिया पर किक खान नामक ग्रुप चलाने वाले अपराधी हासिम खान उर्फ मोहिद पुत्र आफताब खान पठान निवासी आजाद नगर जलचक्की काकरोली, मुकेश उर्फ फुग्गा पुत्र मदन लाल गवारिया निवासी भील मगरी कुंड के पास जलचक्की को सोशल मीडिया पर फॉलो करते पाया गया। गिरफ्तार आरोपी फरार आरोपी हासिम खान एवं मुकेश के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अपराधियों को फॉलो कर अपराधियों द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो फोटो को सोशल मीडिया पर अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर राजसमंद साइबर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूडीए से पट्टे की फाइल चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। यूडीए में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर सहित तीन को पुलिस ने दबोचा। दिन दहाड़े सुने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने सोना चांदी और नकदी उड़ाई। पुलिस थाने से 600 मीटर दूर दिन दहाड़े हुई वारदात। और सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करना युवकों को पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।